हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक करेंगे हम, रॉलेट एक्ट 1919। जैसे कि पहले वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था सत्याग्रह, गांधी ने शुरू किया था, जिसके बीच में हमने तीन सत्याग्रह किए जो गांधी जी के द्वारा सबसे स्टार्टिंग में चलाए गए थे, दैट इज़ चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह। तो उसके बाद गांधी नेहरा की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1918 में वो सारे सत्याग्रह खत्म होते हैं तो 1919 में ये स्टार्ट हो जाता है। इसका मेन मोटिव क्या था, 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, मतलब ख़त्म होती है उस टाइम पे। तो क्या होता है, इंडियंस को होप होती है कि नहीं भाई, अब हमारी जो कंडीशंस हैं वो सुधरेंगी और ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होके वो क्या कर देते हैं, रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं। तो चल देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि रॉलेट एक्ट है क्या था और किसने पास किया, कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर होल्ड ओवर द कॉमन पीपल। जो रॉलेट एक्ट है वो पास किसके द्वारा किया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, टू इंक्रीज देयर होल्ड ओवर द कॉमन पीपल, कि वो अपना दबदबा रख सकें किसके ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर। मतलब वो अपना होल्ड बनाना चाहते थे अब इंडियंस के ऊपर। उनको लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ऑलरेडी इनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा वगैरह था, तो वो सोचते हैं कि इंडिया के लोग ना भड़क जाएं, तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, अपना दबदबा बनाने के लिए रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं। दिस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 18 मार्च 1919। भाई सारे एक्ट लॉ जो होते हैं वो याद हो जाते हैं, बट डेट ना याद होती है कि कौन से कब वो पास हुआ था। तो ये डेट याद रखना है, 18 मार्च 1919, इस डेट को है जो ये एक्ट है वो पास किया जाता है बाय द रॉलेट एक्ट कमेटी। रॉलेट एक्ट कमेटी जो होती है वो इसको पास करती है, चेयर्ड बाय अ जज सर सिडनी रॉलेट। देखो जी, इसके नाम से ही रॉलेट, सिडनी रॉलेट जो है इनके नाम से ही ये जो एक्ट है वो पड़ता है, इसका नाम जो होता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इस एक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है। ये मैंने सारे जो हैं थोड़े बोल्ड किए हुए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको याद रखने हैं, कभी भी एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपको, तो ये सब याद होने चाहिए जो भी मैंने बोल्ड किए हुए हैं। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द रीज़न एंड ही कुड बी अवॉर्डेड पनिशमेंट विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो लोग हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन है, कुड बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द रीज़न, उसको रीज़न ही नहीं पता होगा कि उसने किया क्या है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, एंड ही कुड बी अवॉर्डेड पनिशमेंट, और उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल। ट्रायल क्या होता है कि वो जो कोर्ट की जितनी भी इंक्वायरी होती है, एविडेंसेस प्रोवाइड पेश किए जाते हैं, बताया जाता है कि भाई इसकी ये गलती है वो गलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई जज नहीं, कोई कोर्ट नहीं, विदाउट एनी ट्रायल जो पर्सन था उनको, जो कॉमन पीपल था उनको क्या किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। दे हैड नो राइट टू आर्गूमेंट लॉयर और अपील, ठीक है, उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो आर्ग्यूमेंट करें भाई हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, हमने क्या किया हुआ है, बस उनको अरेस्ट कर लेना है किसके थ्रू, किसने करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कोई उनको राइट नहीं है कि वो लॉयर हायर करें या कोई अपील करें, ठीक है। इट वॉज अप्रूव्ड बाय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ना, वो इसको अप्रूव्ड करती है कि हाँ भाई ये एक्ट जो है वो पास होने दो, ऑन 10th अप्रैल 1919। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट आ गई, ठीक है, बोल्ड की है मैंने इसको। क्या होता है इस डेट को, टू लीडर्स ऑफ कांग्रेस, डॉक्टर सत्यपाल, यहाँ पे मलिक नहीं है, सॉरी, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलिन वर अरेस्टेड। 10th अप्रैल को टू कांग्रेस के लीडर जो होते हैं, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलिन, फ्रॉम, सत्यपाल इज़ फ्रॉम पंजाब और सैफुद्दीन किचलिन होते हैं अमृतसर से, ठीक है, इन, ये जो होते हैं वहाँ के थोड़े मेन लीडर्स होते हैं, तो इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स एंड टेकन सीक्रेटली टू धर्मशाला। इनको कहाँ पे सीक्रेटली कहाँ पे ले लिया जाता है, धर्मशाला में, जो कहाँ पे है अभी, हिमाचल प्रदेश में,
To abolish this act, Gandhi ji and other leaders called for hartal. इस एक्ट को अपोज करने के लिए, अपॉलिश करने के लिए क्या करते हैं गांधी जी और जो मेन लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, वो हड़ताल कर देते हैं. हड़ताल क्या हुआ? इंटरप्शन ऑफ वर्क. इंटरप्शन ऑफ वर्क मतलब थोड़ी देर के लिए अपने वर्क को जो है सस्पेंड कर देना है, मतलब उसको रोक देना है. टू शो इंडियंस डिसअपॉइंटमेंट ऑन दिस, सॉरी यहाँ दिस का स्पेलिंग, एक्ट कॉल्ड द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह. ठीक है, इसको एबॉलिश करने के लिए, अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए कि नहीं जी ये जो कर रहे हो आप हमारे साथ ये गलत है. इसके लिए जो एक और सत्याग्रह आता है गांधी जी के थ्रू, जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह. ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सत्याग्रह बन गया, क्योंकि ये उसके बाद जो तीन सत्याग्रह होते हैं उसके बाद का ये पहला सत्याग्रह होता है, जिसके बीच में गांधी जी बोलते हैं कि नहीं हमें एक सत्याग्रह करना है अब, सो दैट विद नॉन वायलेंस, सो दैट कि हम अपना हक फिर से ले सकें. ओके जी, तो ये था आज का टॉपिक. अब करते हैं कुछ MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो दैट मुझे भी पता चल सके भाई आपको को कितना समझ आया और कितना नहीं. तो यहाँ पे फर्स्ट MCQs है, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर, कौन से ईयर में जो रॉलेट एक्ट है वो पास हुआ. देखो टॉपिक को मैंने हाईलाइट करके भी लिखा है, रॉलेट एक्ट 1919. तो आपको याद रखना है कि ये कौन से ईयर में पास हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 को. ओके, हु पास द रॉलेट एक्ट, किसने पास किया था रॉलेट एक्ट? सर जॉन साइमन, डेविड लॉयड जॉर्ज, वुड्रो विलिसन, सर सिडनी रॉलेट. देखो इस MCQ का आंसर तो आपको सामने दिख जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो है ही रॉलेट एक्ट है, और यहाँ पे जो है सर सिडनी रॉलेट ही हैं, क्योंकि उनके नाम में ही रॉलेट आ रहा है. तो आपको ये याद रखना है, सर सिडनी रॉलेट जो है इन्होंने ये पास किया था. ओके, व्हेन डिड कांग्रेस लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलिन अरेस्टेड? ये दो लीडर जो हैं कांग्रेस के, ये कब अरेस्ट होते हैं? 12th अप्रैल, 10th अप्रैल, 13th अप्रैल या 11th अप्रैल? तो कब होते हैं ये? 10th अप्रैल को. ओके, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? कौन सी मूवमेंट थी जो गांधी जी स्टार्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट. तो कौन सा है इसका आंसर? रॉलेट सत्याग्रह है, जो मैंने आपको टॉपिक के एंडिंग में बताया. Which council approved this act? Approved किसने किया था ये act? British Council, Legislature Council, International British Council या Imperial Legislative Council? तो किसने किया था ये? Imperial Legislative Council. ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक और कुछ MCQs. आई होप सो आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आई होगी. वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.